Assalamualaikum, we are back in another vlog. आज मैं निकल रहा हूँ, एक छोटा सा काम है, गाड़ी का एक मसला हुई है, मतलब उसका शीशा आपको पता है गिरता रहता तो अभी फिर गिर गया है वो, तो उधर जाना है वहाँ जाके उसको पक्का काम करना है। सीमेंटेड एक ग्लू है, सीमेंट टैक्स है, पता नहीं क्या नाम है यार, ऐसी कुछ है। अगर नाम समझ नहीं आएगा उसको तो फिर कॉल करके पूछ लेंगे जिससे पूछा था मैंने ये नाम। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं वहाँ पर, ग्लू लेते हैं फिर वहाँ पहुँचते हैं। मैं कुछ चाचू आए थे सुबह ना, तो वो बता रहे थे शीशा गिर चुका है, अब वो गाड़ी लेके यहाँ पर आए, लेकिन अब मैं यहाँ सो रहा था, फिर मैंने चाचू गाड़ी लेके चले गए, उनका मतलब जाना है दुकान, तो मेरे बोला मैं जब उठूँगा ना जब जाएंगे, मतलब आधा एक घंटा लग गया मेरे को उठते उठते, सारे काम सौदा वोदा ला के दिया है अभी मैंने। सौदा जल्दी लाने का फ़ायदा ये है, आप शाम में नहीं लाते तो कोई फटीक नहीं होती, दिल नहीं जाता। अभी ये क्या है, ये अभी तो नहीं था यार, रुक जाओ ये हटाते हैं फिर बाइक निकालते हैं। नहीं हटाया, पता नहीं किसका कचरा उड़ के आया इसको, अभी वो आएंगे साफ़ करने वाले तो वो ले आएंगे। अभी हम जब तक के बाइक उतारते हैं, ये वाली अपनी बाइक लेके नहीं जा रहे, अपनी हमारी बाइक शबाई लेके उदयफाई लेके जा रहे हैं, हम उदयफाई के दोस्त की बाइक लेके जा रहे हैं। वह इतनी तेज आई है, उड़ के वहाँ से ले गया, मतलब ऑटोमेटिक हट गया वो यहाँ से, तो हमारा काम तो खत्म हो गया सच्ची में। बहुत मेरे को लग रहा है हवा से इधर आया होगा ये ना, बहुत दूर से। चलो अभी फ़िलहाल भगा उसको, हम निकलते हैं। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है किसी की, मतलब अपना बाइक लो ना तो अगर पेट्रोल ना हो तो बंदा फंस जाए। अभी मैं ग्लव लेने गया तो पेट्रोल बिल्कुल ही खुश की यार, मैं इतनी मुश्किल से लेते क्या लेकर आ रहा हूँ, मैं कसम से मैं परेशान हो गया, मैं थक गया यार। मैं बंदा वो देखो सामने भी बेचारे क्या कहते परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल नहीं है गाड़ी के अंदर। मैंने जो मैंने कोशिश करी है, यहाँ तक के मैं चौक पे लेके आया था गाड़ी को, लेके नहीं गाड़ी की चाबी उठा ली है ये रही, और ग्लव्स भी ले लिए। ग्लव्स क्यों लिए ये मैं समझना कि मम्मी डैडी हूँ भाई, ये इसलिए लिए ताकि मेरी चोट गंदी ना हो। अभी वो लोग दूसरे आदमी क्यों लिए, ये इसलिए लिए ताकि मैं साफ, जैसे अगर मैं धोऊँगा तो जाहिर सी बात है ये भी गीली होगी, मैं दोनों को ही ढक दो भाई ताकि गंदे ना हो और सेफ एंड सिक्योर। अभी फ़िलहाल एक सीमेंट जो भी है वो ग्लू लेके आते हैं, सीमेंटेड पता नहीं क्या था यार, मैं तो भूल ही गया, कॉल करके पूछना पड़ेगा। चलो वो लेके आते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। जो है चाचू ने धुलवाई होगी ना तो गाड़ी इतनी प्यारी, ओह ओह इतनी मतलब साफ़ सुथरी लग रही है ना, तो अच्छी लग रही है। अभी उस साइड का शीशा जहाँ का पहले भी गिर चुका है एक दफ़ा, इस साइड का शीशा जो है ये लगाना है बस अपन ने, और फिर जाना पहले गाड़ी को सीधा करके इधर से गैप बनाना ताकि दरवाज़ा खोल सकूँ मैं। चलो करते हैं सब, फिर मिलते हैं या फिर बताते रहता हूँ साथ साथ। गाड़ी जो है अंदर से भी साफ सूफ हुई है, तो गाड़ी अब अच्छी लगने लग गई है भाई। अभी बस इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के, मतलब ये पोल की तरफ थोड़ी गाड़ी करूँगा ताकि मैं ये आला गेट खोल सकूँ, और अब ये देख रहे हो आप शीशा यहाँ पर नहीं है, आतार पार हो रहा है ना, गाड़ी पोल के करीब हो गई, यहाँ से गैप बन गया अच्छा खासा। और यार हमारा ये कुत्ता, मतलब वो जो चिंटू है ना, पता नहीं कहाँ है इस समय, लेकिन वो इधर ही घूम रहा है यार, वो काम ख़राब करेगा, बहुत तंग करेगा यार। गर्मी बहुत हो रही है देख रहे हो, इतनी सी देरों में ना उनको पसीने बहुत आते हैं यार, एक तो पसीने इतने आ रहे हैं और वो ये तंग करेगा उल्टा, और काम ये हो रहा है सब। अभी फ़िलहाल ग्लव पहनते हैं यहाँ पर जो रखे हुए हैं। हाँ भाई ग्लव व्लव पहन के हम रेडी हैं, देख रहे हो इस हाथ में कैसा ये एक उंगली मोटी लग रही है, अजीब सा लग रहा है, अभी इतनी मुश्किल से चढ़ाया है ना इसके ऊपर ये। चलो फिलहाल हो गया सारा काम, बस ये हाथों को मैंने सेव कर लिया है ताकि हाथ गंदे ना हो यार, हाथ वरना ना धोने पड़ते, अभी भी धोने पड़ेंगे लेकिन उस तरीके से नहीं, रिगड़ रिगड़ के थोड़े बहुत धो देंगे बस, ज़्यादा नहीं। अभी फ़िलहाल में जो है मैं निकालता हूँ ये काम, पहले ये निकालते हैं इसका ये जो अपना डैश पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बस ये निकालते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं भाई। मैंने अभी सिलिकॉन बोल रहा हूँ सॉरी, अपना सीमेंटेक्स से जो है इसको जोड़ने की कोशिश करिए, देखो अगर चे नहीं जुड़ता इससे तो फिर मेरा 100-150 रुपये का और फटका है, और मेहनत बहुत सारी है, फिर मेरे को सिलिकॉन लगानी पड़ेगी इसके अंदर। अभी पहले मेरे पास मशवरा नहीं आया सिलिकॉन का ना, लेकिन अभी आया, तो
अभी जो है अगर इसने पकड़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है यार, मतलब एकदम दिल खुश हो जाएगा, मेरा काम ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन अगर इससे इसने नहीं पकड़ी और इसने कोई नखरे नखरे दिखाए, वैसे मैंने ऑयलिंग कर दी है साइडों में, लेकिन यहाँ ऑयलिंग हो गई है वहाँ, मतलब जैसे कि कपड़े में लेके ऑयल लेके थोड़ा सा ऑयल कर दिए ताकि वो स्मूथली ऊपर नीचे आए, उसको कहीं मिट्टी या उसका अपना रुकावट ना आए ना। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये कर दिया है, लेकिन अगर ये नहीं मानता, मतलब शीशा बड़ा बदतमीज़ है हमारा, नहीं मानता ये, तो फिर चांसेस हैं हमारे को शीशा निकालना पड़ेगा, फिर शीशे की सफाई होगी पेट्रोल से, थोड़ी सी पेट्रोल से, या फिर मेरे को बहुत मेहनत लगेगी इसमें, और एक रबड़ लानी पड़ेगी क्योंकि इसकी रबड़ निकल चुकी है। अगर रबड़ नहीं लाएंगे, वैसे रबड़ नहीं लाएँ तो ज़्यादा मसला नहीं है वैसे, और अपना सिलिकॉन डाल के बिठा देंगे, ये कर सकते हैं। ये अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, मैं बात की बात बता रहा हूँ तुम्हारे को, अगर मेरी फारी लगेगी तो ऐसी तरह लगेगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने सब कुछ कर दिया है, आई एम ए इंजीनियर, ऐसा लगता है मैं कार के काम के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं गाड़ी का काम जानता हूँ, दरवाजे वरवाजे खोल के सही कर देता हूँ। सबसे पहले एक काम करना है, इस शीशे को करना है ऊपर, और ऊपर करने के बाद ये लगाएंगे, और फिर उसके बाद ये लगाएंगे, और फिर उसके बाद बंद करके घर चले जाएंगे। अब मेरे को ये देखना है ये ऊपर ऊपर आराम से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है यार। वो भाई गाड़ी में कुछ सामान पड़ा हुआ था वो भी उठा लिया, अभी पेचकस वगैरह सब कुछ कर दिया, बस गाड़ी को अब अपना कवर चढ़ाना है। अब मैं गाड़ी पहले आगे लूँगा, फिर उसके बाद अपना कवर चढ़ाऊँगा। चलो करते हैं ये सब, अब पता नहीं यार कवर चढ़ाऊँ अभी आगे क्यों लूँगा, बाहर है ना कवर, तो भाई बच गई खुआरी यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, तो मैं अभी स्वागत के पास जा था, तो मैंने देखा यहाँ पे मोबाइल पड़ा हुआ है, मैंने बोला थोड़ी सी वीडियो मैं ही बना लेता हूँ। तो अभी स्वागत के पास जा रहा हूँ, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, शीशे से सही कर रहे हैं शायद, तो चलो उनके पास चलते हैं। मैं ऊपर आ गया, और हाथ चेक करो बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए यार, थोड़े टेक्निक है, ज़रा से हाथ धोएं, क्योंकि वो अपना उसके अंदर कुछ पाउडर सा होता है ताकि पसीना पता नहीं क्या होगा, कुछ तो होता है। और ये चीकू भाई आ गए, बोल रहे हैं मेरे साथ बैट बॉल खेल, अबे चल। और इसके स्कूल में ना स्पोर्ट्स चल रहे, कौन सा बास्केटबॉल सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, हाँ बास्केटबॉल सिखा रहे हैं इसको अभी, वो भी चलो अच्छी बात है, सीखना चाहिए बच्चों को ऐसी चीज़ें ना, इस यही उम्र होती है यार, वरना फिर बड़े होते तो रोज एक्टिविटी चलती रहती है रोज। ठीक है लगाऊँ मैं पट्टी, अच्छी खासी सेफ है, देख रहे हो हाथ बिल्कुल साफ, पट्टी भी साफ, यहाँ से थोड़ी सी गंदी है पता नहीं क्यों यार, ये ना आइसक्रीम गिर गई थी मुझसे इसके ऊपर। चलो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद देख रहे हो कितनी मोटी मोटी बूंदे पड़ रही हैं, चीकू भाई ऊपर जाके देख, मैं एक बार दूसरी जगह से दिखाता हूँ, मेरी उंगली गीली ना हो जाए ना यार, और ये देखो ओ हो मोटी, देख रहे मोटी मोटी बूंदे भैया, ये अगर बाहर जाके तुम देखो ना तो उसी टिंड पे पड़े, टिंड फटी है भाई, जाके चेक करियो एक बूंद खा के। अच्छा यहाँ पर ना कुछ सालों पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले, जब ये चीकू बहुत छोटा था, जब जो है अपना ओले पड़े थे टिंडों पे पड़े थे ओले, धुन धुन धुन, पहले एक पड़ा मैं समझा ऊपर से ना, यहाँ से देखो मैं यहाँ पर चढ़ा था जब भी मैं याले घर में रहता था, यहाँ पर आया यहाँ चढ़ा तो एक ना बारिश हो रही, मेरे को बारिश देखने का बहुत शौक है बहुत, तो एक आया ओला सर पे आके लगा ढक करके, तो मैंने लोग ऊपर से किसी ने बर्फ़ फेंकी है यार, ऐसा लगा ऊपर से किसी ने बर्फ़ फेंकी, लेकिन ऊपर से बर्फ़ नहीं फेंकी थी वो, हाँ ऊपर से ही आई थी लेकिन अल्लाह की तरफ से आई थी वो, और मैं फिर तोलिया लेके सर पर रखा ताकि टिंड बच जाए मेरा, टिंड ना खुले और छुपरे से बज रहे थोड़ 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 थोड़, भाई बहुत भयानक वाला सीन था उस टाइम पे, व्लॉग नहीं करता था वरना व्लॉग ज़रूर बनाता मैं, वीडियो भी नहीं बनाता था, कुछ भी नहीं करता था, सीधा साधा बंदा था मैं। अभी बिल्कुल ही बारीक हो गई है देखो, बारीक बारीक, पहले इतनी मोटी मोटी पड़ी, वाह यार ये अच्छा है वैसे। चलो अभी फ़िलहाल इसको दो चार बॉले कराते हैं, पसीने चेक करो कितने हफ्स हो रहा है यार, बारिश ज़रा सी हो रही है, हफ्स बहुत हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश कसम से भाई, देखो बाहर देखो, दो मिनट नहीं लगे यार इतनी तेज़ बारिश, ये पागल हो गया है, चेक करो तुम, ये चिल्ला रहा है पागल हो गया यार, तुम बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है यार, मुझे दो मिनट नहीं लगे गीला, शुक्र है मैंने बाइक नीचे खड़ी करी है, बहुत आवाज़ सुनो आवाज़, अबे देखो तो यार कितनी तेज़ बारिश है, रुक जाओ एक मिनट मैं दिखाता हूँ कैसे मोबाइल कैसे निकालूँ, ऐसे ऐसे दिख तो रही होगी यार, बहुत तेज़ हो गई ये बारिश, मैं एक बार दिखी जगह, ये देखो यहाँ हमारा यहाँ देखो कैसे पूरा गीला हो गया, वो देखो चीकू भी गीला हो गया हमारा, और वो अलग ही पानी जमा करके पीने की ट्राई में, क्या नशेड़ी है तू,
चलो हम लोग अपना यहाँ से इंजॉय करते हैं, क्योंकि मेरी पट्टी है, पट्टी का मसला है, मैं नहा नहीं सकता। बे भाई क्या मजाक हो रहा है यार, कसम से बहुत तेज हो गई यार, बारिश चेक कर रहा हूँ यार मेरे। तो तेरी भाई इतनी तेज बारिश कि मैं बता नहीं सकता। अबे क्या लाइट में ऐसा लग रहा है पहली बार हुई है ये बारिश। वो शकीला दू है, चीकू की ट्यूशन की छुट्टी हो चुकी है, ये चीकू भाई इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन इनको हम भेजेंगे, इनके कारी साहब को भी भेजेंगे यहाँ पर, बोलेंगे भाई साथ पढ़ा इनको, बारिश बड़ी बल्कि। अबे वो इधर रुक, मेरी बॉलिंग मेरी बैटिंग रह गई है। अबे चल यहाँ से, मेरी पट्टी का मसला है वरना मैं चले जाता। गिला पेन लेना, लेकिन यार नहाने का दिल नहीं चाह रहा असल में मेरा। तो आप बहुत तूफानी बारिश हुई उसके बाद भाई ब्लॉग बनाने का दिल ही नहीं किया। अभी आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर ठोकना यार।